नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक के ताज़ा अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं कश्मीर के साथ। अभी हाल में सरकार की ओर से जारी हुए वक्तव्य में गृह मंत्री जी ने ये कहा कि धारा 370 को हटाए जाने के बारे में घाटी के और जम्मू कश्मीर के सारे लोग सरकार से सहमत हैं। तो सहज सवाल ये उठता है कि अगर लोगों में सहज सहमति है तो फिर ये घेरेबंदी क्यों? घेराबंदी हटा दीजिए, अगर सभी को स्वीकार है कि 370 ख़त्म हो गया है तो इस प्रावधान की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनको घरों में क़ैद रखने में क्या फ़र्क पड़ता है? और इसके अलावा बहुत सारा खर्चा जो हो रहा है आर्मी पर, सुरक्षा पर, इस उस पर, वो बंद हो जाएगा, लोगों की सहूलियत हो जाएगी, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, लोग दफ्तर जाने लगेंगे, लेकिन मुख्य बात ये है कि क्या लोग सचमुच सहमत हैं? अभी यूएन के जो चीफ ऑफ रेफ्यूजीज़ हैं, शरणार्थी, उनके जो शरणार्थियों की सुरक्षा के मुख्य प्रबंधक हैं, यूएन की तरफ से उनका वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने गंभीर चिंता जताई है कश्मीर में जो लोग अपने घर में इस वक्त घेरेबंदी के शिकार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, और जो NRC बन रहा है, जो उत्तर पूर्व में जो रजिस्टर बन रहा है जिसके तहत कई लोग स्टेटलेस घोषित कर दिए गए हैं, माने वो बिल्कुल ही बाहरी बना दिए गए हैं, उनका कहना है कि सरकार को ये देखभाल करनी होगी कि कोई भी नागरिक स्टेटलेस घोषित ना हो। एक डेमोक्रेसी में लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में, संचरण करने में सुविधा उसका संविधान देता है, वो सुविधा बनी रहनी चाहिए। अब चूँकि प्रधानमंत्री महोदय जल्द ही UN की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए जाने वाले हैं, हमको उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक संदेश उस ओर से हमको मिलेंगे। बहरहाल कश्मीर घाटी के सभी लोगों की सलामती के लिए हम दुआ करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जैसा सरकार कह रही है कि अब वो 370 के मामले में सरकार की ही राय रखते हैं, तो फिर ये घेरेबंदी समाप्त होनी चाहिए, लीडर्स को छोड़ा जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र अपनी राह पर चल सके। आपने राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, इसका आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उन केंद्र शासित राज्यों को भी अपनी असेंबली चुनने का अधिकार दीजिए। जितनी जल्दी वहाँ लोकतंत्र बहाल होगा उतनी ही जल्दी लोगों का सिरदर्द और सरकार का भी खुद अपना सिरदर्द खत्म होगा। अब हम आते हैं दूसरे समाचार पर, चंद्रयान पर। चंद्रयान सतह से कुछ ही दूर जाकर के अपने मुख्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, ये दुखद बात है, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बुद्धि दिखाई थी, बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि चंद्रमा की कक्षा में भारत यान भेजने में सक्षम है। पहले भी दो बार वो सफल परीक्षण प्रक्षेपण कर चुके हैं, इसलिए ये मानने की कोई वजह नहीं कि इसरो में बुद्धि की या जानकारी की कमी है। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, दस एक बार अमरीका और रूस के भी इसी प्रकार के यान दुष्प्रभावित हो चुके हैं या हादसों का शिकार हो चुके हैं। लेकिन इसको लेकर के जिस तरह की बयानबाजी सरकार के कई हिस्सों से आ रही है वो थोड़ी अटपटी सी लगती है। मसलन ये कि हम यान से जल्दी ही संपर्क कर लेंगे और यान हमको चित्र भेजेगा, लेकिन अभी तक हमको यान का कोई भी चित्र देखने को नहीं मिला, जो कि चक्कर लगा रहा उनका जो यान का हिस्सा है वो हमको दिखाता, क्योंकि लैंडर तो सतह पर पड़ा हुआ है और वो चित्र नहीं भेज सकता है, लेकिन यान तो भेज सकता है। कोई चित्र अभी तक देखने के लिए नहीं आया। अलबत्ता ये कहा गया है कि वो सतह पर सीधा खड़ा नहीं है चार पैरों पर जैसी उम्मीद थी, वो साइडवेज यानी तिरछा होकर गिरा हुआ है, और ये भी कहा गया कि उसका एंटेना जो है वो चाँद की सतह की ओर मुड़ा हुआ है, लिहाजा जल्दी संपर्क शायद न साधा जा सके। जो भी हो, इस प्रकार की अटकलबाजी या बयानबाजी से बचना चाहिए और मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसरो के वैज्ञानिक बेहतर तरह से काम करते रहें। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि अभी हाल में उनकी तनख्वाहों में जो राष्ट्रीय बजट के नाम पर कटौती की गई थी उसको भी पुनर्विचार के लिए सरकार अपने सामने लाए और उस पर विचार करे। जो लोग अपना दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, राष्ट्रहित में राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए इतना काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें काटना
कहीं न कहीं समझ में नहीं आता। तीसरा विषय है हमारा आज का लिव इन रिलेशनशिप्स। अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के एक माननीय जज ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप्स अवैध हैं और साथ में इस तरह बिन ब्याहे रहने वाली औरत को भारतीय समाज रखेल मानता है। हमको रखेल शब्द के प्रयोग से आपत्ति है। ये एक बहुत पुराना शब्द है, उस जमाने का है जब औरतें खुद कुछ नहीं कमाती थीं, पूरी तरह से पुरुष पर कमाई के लिए आश्रित होती थीं। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां जो अच्छी खासी तनख्वाहें कमा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, खुद को ही नहीं अपने परिवार को भी पालने की क्षमता रखती हैं, अगर वयस्क हैं और अपनी बुद्धि से ये सोचती हैं कि वो बिना ब्याह के अपने पुरुष मित्र के साथ रहना चाहती हैं, तो एक सभ्य समाज को इसमें एतराज़ क्यों हो। आखिर जब हमने धारा 370 खत्म करके समलैंगिक पुरुषों को साथ रहने का, समलैंगिक स्त्रियों को साथ रहने का अधिकार दे दिया है, तो स्त्री पुरुष के एक जोड़े को बिना विवाह के साथ रहने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता है। इस पर देश को विचार करना चाहिए और जिस तरह से सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ नए समय से कदम ताल बिठाते हुए अंत में जजों ने ये फैसला दिया कि समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, उसी तरह सह अस्तित्व या एक साथ साथ रहने के इस मामले को भी सुलझाया जाना चाहिए और किसी कदर औरतों के लिए इस प्रकार की अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने अंतिम और चौथे विषय पर जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अभी प्रधानमंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि 2030 तक भारत जो बड़ी तेज़ी से मरुभूमि बन रहा है उसमें लगभग 30% हिस्से पर वन या पेड़ लगाए जाएंगे और इससे मरुभूमि का बनना रुकेगा। अच्छी बात है, देश हरा भरा हो हम सभी चाहते हैं, मरुभूमि का आतंक कम हो हम सभी चाहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है और ये सही सत्य ये है कि इस वक्त भारत के कई राज्य जिनमें पूर्वोत्तर के मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं, जिसमें गुजरात भी शामिल है और दक्षिण भारत के कुछ राज्य और राजस्थान शामिल हैं, उन राज्यों का डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थली में तब्दील होना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वजह यह है कि गर्मी बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है और बरसात जो हो रही है वो कम होती जा रही है, ज़ोर से बरसती है, थोड़ी देर के लिए बादल फटना जिसे कहा जाता है आजकल, लेकिन वो तहस नहस अधिक करती है, पानी जमा नहीं होता है, धीरे धीरे ज़मीन में सूख जाता है, इससे ज़मीन की मिट्टी की तासीर बदल रही है, कृषि व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसके कई वजह वैज्ञानिक गिनाते हैं, एक तो ये कि पानी को हम लोगों ने बड़ी बेदर्दी से सोखा है, कृषि में ऐसी फसलों को तरजीह दी है जो पानी अधिक पीती हैं, और उसके अलावा हमने जगह जगह हैंड पंप लगाए और बिजली के पंप लगवाए और किसानों को मुफ्त बिजली देनी शुरू की, जिससे पंजाब जैसे राज्य में इतनी अधिक बिजली का इस्तेमाल हुआ और पानी खींचा गया कि वहाँ की ज़मीन में अब आर्सेनिक सतह पर आने लगा है। तो एक तो तब्दीली यहाँ ज़रूरी है। दूसरी बात वनों को लेके, जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, विगत में भी कई बार सामाजिक वानिकी माने एक सिविल सोसाइटी के बतौर पेड़ लगाने का काम होता है। पहली तो ये है कि कोई भी वानिकी असामाजिक नहीं होती है, हर वन पर एक समाज टिका होता है, उसकी रोज़ी रोटी टिकी होती है। वन्य विशेषज्ञों का कहना है कि वन ज़रूर लगाए जाएं, पेड़ ज़रूर लगाए जाएं, लेकिन वन सिर्फ पेड़ नहीं होता, उसमें बहुत सारे जीव भी होते हैं और वो जीव उस ख़ास तरह की वनस्पति पर निर्भर होते हैं। वनों के अलावा ये ज़रूरी है कि जो समुद्र के किनारे की वनस्पति है, जैसे सुंदरवन में है जिसमें पेड़ उल्टी तरफ उगते हैं, उसकी ख़ास वजह है कि वो तट की रक्षा करते हैं, उसको नहीं उजाड़ा जाना चाहिए। ग्रासलैंड्स यानी कि जो हरी भरी वादियाँ हैं और जो ढलवाने हैं जहाँ पर कि बहुत सारे भेड़ बकरी चरते हैं, उनको भी बचाया जाना चाहिए। कश्मीर में ये हुआ है, लद्दाख में ये हुआ है कि तेज़ी से वानिकी होने की वजह से वहाँ की भेड़ बकरी पालने वालों की जान पर बनाई है, उनको अब अपने जानवरों के लिए और ऊँचे जाना पड़ता है, जो कि उनको बहुत नुकसान देता है, उनकी दिहाड़ी भी मारी जाती है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है
कि जो बहुत सारी मरुभूमि है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मरुभूमि से अपनी जीवनी कमाते हैं, उनकी जीवनियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जिस वक्त लाखों करोड़ों लोग छटनियों के शिकार हो रहे हैं, जो लोग पारंपरिक रूप से वनों से, जंगलों से, ग्रासलैंड से, चरवाहों की भूमि से और सुंदरबन जैसे समुद्र तटीय हिस्सों से अपनी जीविका कमाते हैं, जो तरह तरह के जानवर पशु पक्षी वहाँ पर सदियों से रहते आए हैं, उनके जीवन से बहुत छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आज का बुलेटिन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।